नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। मंगलवार को अरड़िया मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी नरेश थरकार की संदिग्ध मौत के बाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जेल में कैदी नरेश की मौत संदिग्ध हालत में हुई है। जेलर हेम हेम्ब्रम ने फोन पर बताया कि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था, लेकिन सदर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि कैदी के डेड बॉडी को अस्पताल लाया गया है और उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जाहिर है जेल प्रशासन कुछ छिपा रही है। फिलहाल सदर अस्पताल में कैदी का पोस्टमार्टम कराया गया। जी सर, एक कैदी का पोस्टमार्टम कराया गया, क्या मामला था और कैसे डेट हुई, कुछ जानकारी? आज सुबह डॉक्टर बी के मिश्रा ड्यूटी पर थे, कैदी नहीं आए, एक जेल से एक आया था, वो ब्राउन डेड हुआ था, पहले ही मर चुका था। अगर वो जीवित होता तो उसका हम लोग इंट्री करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। इट इज़ ए केस ऑफ ब्राउन डेड। किस कंडीशन में बॉडी थी जब आया था यहाँ पे? तो डेड था, पल्स नहीं था, हार्ट रेट नहीं था, जो साइंस में देखते हैं अगर चार गो साइन होता है, पल्स एब्सेंट, दिल का धड़कन एब्सेंट, रेस्पिरेटरी साउंड नहीं रहता है, और पुपिल को टॉर्च मार के देखते हैं तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करता, डायलेटेड था, चारों कंडीशन था वो। इलाज के दौरान मौत हो गई? नहीं, इलाज हुआ ही नहीं, डेड बॉडी का इलाज भी होता है। पोस्टमार्टम कराया गया अभी? अगर भर्ती होता तो उसका हम लोग डेथ सर्टिफिकेट देते ना, उसका ट्रीटमेंट, डेड बॉडी का ट्रीटमेंट कौन करता है? इट वॉज ब्राउन डेड।